जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी आप लोग देख पा रहे हैं ट्रेन जा रहा है, तो मैं ट्रेन पे चढ़ रहा हूँ और अभी जा रही हूँ करीमगंज। और मेरा बैंक का काम है करीमगंज में, और मेरा अंकल का भी तबीयत अच्छा नहीं है, तो इनको देखने के लिए जा रही हूँ। और सब कुछ निपटा के फिर देखिए मैं स्वीट शॉप में आई हूँ। और इस स्वीट शॉप में स्वीट्स का वैरायटी देखिए, ढेर सारे वैरायटी है। और मैंने कुछ टेस्ट करके भी देखा है, बहुत ही टेस्टी है गाइस, क्योंकि रियल छेना से बनाया गया है। जो खीर का है वो ओरिजिनल खीर का, और जो छेना का वो ओरिजिनल छेना का, बहुत ही टेस्टी है गाइस। तो मैंने ऐसे क्यों कहा है गाइस, क्योंकि आजकल ना जो स्वीट्स है ना, इनमें टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि छेना के आपको और कुछ मिलाकर दे देते हैं, और जो खीर है इसमें भी मिलावट होती है, पर यहाँ का जो स्वीट्स है ना, कुछ भी मिलावट नहीं है, बहुत ही टेस्टी है गाइस। और आप करीमगंज जाओगे तो ज़रूर विज़िट करना इस शॉप का, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और वैसे भी वैरायटी भी है और टेस्ट भी है। और आपको शादी के लिए चाहिए तो आप लोग जा सकते हो। तो देखिए मैं क्या लेके जाऊंगी, तो इसे हम बंगाली लोग कहते हैं पाटी सापटा। तो इसके अंदर खीर होता है और बाहर मलाई होती है, और ये है गुलाब जामुन जो मैं लेके जाऊंगी। और कुछ नज़र में पड़ा है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर में चलकर आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखिए ये जो नमकीन आप देख पा रहे हैं ना, एक दिन में ही बिक जाता है ढेर सारे नमकीन स्वीट के साथ साथ। और यहाँ पर शादी का तत्व भी मिल जाएगा आपको। देखिए आपको कोई ऑकेशन में किसी को गिफ्ट करना है तो आपको ऐसा मिल जाएगा, पर आपको पहले से बोलना पड़ेगा, फिर ऐसा पैकिंग वैकिंग करके दे देंगे। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। और आप लोग सोचोगे कि जूही ने इतना कुछ कहा है, पर कहा है ठीक से बताया नहीं। तो चलिए बाहर आपको ले जाती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ बाहर से कैसा दिखता है ये शॉप और कहाँ पर है। तो ये SBI बैंक के जो मेन ब्रांच है ना, इसके आसपास ही है। और इस शॉप का नाम देवदूत है, और बाहर से ऐसा ही दिखता है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करना, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो लोग जानते नहीं है तो जान ले, क्योंकि बहुत ही टेस्टी स्वीट्स है यहाँ पर। तो चलिए अभी खा लेते हैं। तो मैं खा रही हूँ बॉयल केक, और देखिए रसमलाई भी, और ये लेकर दो बार हो गया है। सुभाष को बहुत ही अच्छा लगा है, तो उसने कहा कि चलो फिर से खा लेते हैं। और इनका ये और एक शॉप है बेकरी का, तो चलिए क्या नाम है देख लेते हैं। और स्वीट्स तो बहुत ही बढ़िया है, तो चलिए अभी प्रियंका के घर चलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे। मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, इनके मन में चल रहा है कि प्रियंका कौन है भाई, तो चलिए आगे बता दूंगी आपको। तो गाइस हम लोग आ गए हैं प्रियंका के गली में, देखिए प्रियंका आ रही है। तो गाइस प्रियंका का एक चैनल है प्रियंका डेली लाइफ, और वैसे भी प्रियंका को मैं पहले से ही जानती हूँ, और उसने बहुत बार कहा था उसके घर जाने के लिए, पर करीमगंज है उसका घर और बहुत ही दूर है हमारे यहाँ से सिलचर से। तो आज मैं गई करीमगंज, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके घर जाऊँ, और वैसे भी ये सरप्राइज़ है तो इसलिए। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर जाकर आपसे मिलते हैं। कहाँ आई हूँ मैं, प्रियंका के घर आई हूँ। हाय। और बहुत दिनों से चली आई। हाँ, बहुत दिनों से कह रही थी कि
मुझे आंटी बुलाती है, तो कह रही थी कि मेरे घर आओ, पर मैं आ नहीं पाती हूँ, पर मैं करीमगंज में आई हूँ मेरे काम से, तो इसलिए उसके काम घर से, काम से आई है इसलिए आई है, मतलब नहीं तो नहीं, नहीं और एक दिन आऊंगी देखूंगी, हाँ और एक दिन आऊंगी, और अभी थोड़ी देर बैठेंगे और फिर घर चले जाएंगे, तो क्या क्या करेंगे अभी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है तो देखने क्या करते हैं। तो चलिए गाइस घर के सबसे छोटी मेंबर से मिल लीजिए। तो ये जो कीर्सा बच्ची है ना, ये प्रियंका का बेटी है और ये कितना मन लगाकर पढ़ रही है देखिए, और उसका एग्ज़ाम चल रही है अभी, और मैं कैमरा पकड़ कर खड़ी हूँ, उसे पता ही नहीं चल रहा है इतना मन लगाकर पढ़ रही है, और देखिए प्रियंका क्या कर रही है देखिए। तो ये कह रही थी खाने के लिए, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम वेज खाते हैं, जो मेरे व्यूवर्स है वो जानते हैं कि मैं ट्यूसडे को वेज खाती हूँ। तो गाइस देखिए अभी चल रहा है पकौड़ा, और आज ट्यूसडे है गाइस, और प्रियंका के घर आज मछली बना है, और मैंने कहकर भी नहीं आई हूँ, तो इसलिए क्या हुआ कि उसने कहा था कि लंच के लिए, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि हमारा आज वेज है, तो इसलिए आज हम लोग बाहर वैसे तो कुछ भी नहीं खाते हैं, आप लोग तो जाने भी कहा है कि ट्यूसडे को हम लोग वेज खाते हैं, तो इसलिए अभी पकौड़ा बना रही है जो मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने मना नहीं किया है। पकौड़ा तल रही है। तो देखिए प्रियंका अभी पकौड़ा फ्राई कर रही है और मैं पीछे से कैमरा पकड़ के खड़ी हूँ और इसे गप्पे लड़ा रही हूँ, और इसका एक जा है, तो चलिए इसे मिल लेते हैं, और जा की एक बेटी है जो स्कूल में है, आपसे मिलवा नहीं पाऊंगी, तो चलिए गाइस। तो गाइस अभी एक बजने में 10 मिनट बाकी है, हम लोगों ने सोचा था कि 15 मिनट बैठेंगे फिर जाएंगे, पर बिठा दिया हमें, तो चलिए देखिए प्रियंका की जो जा है कुकिंग कर रही है, तो आज क्या क्या कुकिंग करोगे? मांस करबो, हाँ मांस करबो, पापड़ मांस करबो, आटा मांस करबो। तो आज प्रियंका के घर पापड़ मांस है, यानी कि फिश, पापड़ फिश और कतला फिश है। तो गाइस दोनों तरफ ही खाना बनाना चल रहा है, और मैंने सोचा दोनों तरफ ही शेयर किया जाए कौन क्या कर रहा है, तो प्रियंका पकौड़ा कर रही है और उसके जा सब्जी वब्जी सब काट रही है और फिश फ्राई कर रही है, तो मैं कुछ तो प्रियंका के साथ बातें कर रही हूँ और कुछ उसके जा के साथ, और उसके जा ने बहुत बार कहा है कि खाना खाने के लिए, यानी कि खाना खाकर जाओ, पर मैंने मना कर दिया, और देखिए फिश फ्राई हो रही है, तो हम लोग सिलेटी में बातें कर रहे हैं, तो इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया है, और वैसे भी हम लोग सिलेटी है और जब भी हम बातें करते हैं सिलेटी में ही बातें करते हैं, और देखिए ये कतला फिश नहीं है, ये जापानी फिश है, रेड कलर का है, तो ये जापानी फिश है। और देखिए प्रियंका ने खाने को क्या क्या दिया है, तो चलिए गाइस अभी प्रियंका के पति से मिल लेते हैं, वो क्या कह रहे, तो ये मंदिर में है और पूजा कर रहे अपने घर में, इनका एक मंदिर है, तो देखिए गाइस ये पूजा कर रहे है, तो ढेर सारे भगवान इनके मंदिर में है, नारायण भगवान जी है और भी भगवान जी है, मैं नहीं जानती हूँ कौन कौन सा भगवान स्थापित किया है उन्होंने, तो पीछे खड़े होके मैं देख रही थी। तो गाइस ये जो वीडियो है ना ट्यूसडे का है, मैंने सोचा था ट्यूसडे को ही आपके साथ शेयर करूं, पर नहीं हुआ है क्योंकि मेरा सर्दी हो गया था, नाक भी बंद था, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर नहीं पाई हूं, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी और घर में आकर मैंने नहाया भी, और इतने ठंड में नहाना रात को और सारा दिन ऐसे बाहर और ना नहाए तो ये तो हो नहीं सकता है ना। तो देखिए पापड़ फिश करी रेडी है और उसके जा का जो कुकिंग प्रोसेस है ना बहुत ही अच्छा है, तो चलिए अभी जाके रूम की टूर करवा देते हैं। तो चलिए, और गाइस आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ, पर क्या है कि गाइस आपके साथ मुझे कुकिंग वीडियो भी शेयर करना है, तो इसलिए सब कुछ लट पलट हो जाती है, वैसे तो घर की काम और कुकिंग वीडियो शूट करना और फिर इसे एडिट करना, तो इसलिए देर हो जाती है ब्लॉग शेयर करने में।
और देखिए सुभाष को, जब भी बच्चा देखता है ना या बच्ची, ऐसा ही घुल मिल जाता है और ऐसा लगता है उसका बच्चा या बच्ची नहीं है। ऐसा ही होता है, कोई तो समझता है कि उसका कोई लड़का लड़की नहीं है तो बेचारा ऐसे ही दूसरे के बच्चों को ऐसा गोदी में लेकर घूमता है, ऐसा भी हुआ है। तो देखिए प्रियंका के लड़की अभी क्या क्या खा रही है, मिठाई विठाई। तो अभी हम जाएंगे मंदिर, और ये एक कामाख्या मंदिर है शायद उसने कहा है, तो चलिए अभी मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो गाइस अभी चले जाएंगे सिलचर, और देखिए खाना वाना नहीं खा के जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। सबने बताया लेकिन फिर भी ये लोग नहीं खाएंगे। मछली चल रहा है ना बनाना, आप लोगों ने देखा ही ना। तो मैं तो ट्यूसडे को मछली नहीं खाती हूँ ना, तो इसलिए आज ले जाए बाद में एक दिन। और चलो एक मंदिर दिखाती हूँ तुम्हें। चलो सामने एक मंदिर है हमारा। चलो तो चलिए गाइस अभी मंदिर के अंदर चलते हैं। और मंदिर में माँ विराजमान है, माँ को कामाख्या माँ से जाना जाता है। और ये जो कामाख्या माता का मूर्ति है ना, माता का पास सिर है शायद, मैंने देखा है पर वीडियो शूट किया था गाइस, पर क्लिप कहाँ गुम हो गया मुझे मालूम नहीं है। और साइड में देखिए बाबा भोलेनाथ जी भी है, और पीछे राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है। तो देख लीजिए मेरे साथ, आपको भी मैं दर्शन करवा देती हूँ। और ये माता रानी है, पर सामने से मैंने वीडियो बनाया, क्लिप कहाँ गुम हो गया मुझे मालूम नहीं है गाइस। और इस मंदिर में मेरे और प्रियंका के साथ कुछ घटना घटी जो मेरी गलती थी, तो क्या थी मैं बाद में बताऊँगी और एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मंदिर को देख लेते हैं। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।